तो ये मैंने ऑर्डर किया था डर्मा रोलर। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये यूज़ करूँ कि ना करूँ, तो खैर मैंने ये ऑर्डर कर ही दिया। और इसके साथ में एक आया था सैनिटाइज़र, इसके यूज़ के बाद इसको लगाने के लिए ताकि हाइजीन रहे, इसको हाथ से नहीं साफ कर सकते हम। तो एनीवे ये बहुत अच्छा पैकेजिंग के साथ ये डर्मा रोलर आया था और इसका सैनिटाइज़र, ये कुल मिला के मुझे पड़ा था 265 रुपये अमेजोन से, बाकी भी बहुत सारी जगह से मिल जाता है मुझे। वैसे तो मैं ये यूज़ करने से पहले बहुत ही डरी हुई सी थी क्योंकि इसमें बहुत सारा काफ़ी नीडल्स थी और इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ भी मैंने देखी है कि यूज़ तो वैसे 2.25 mm से करना चाहिए, बट मैंने बाई मिस्टेक इसको 5.5 mm वाला ऑर्डर कर दिया था। तो एनीवे लेट्स सी। और ये भी वहाँ पे बताया गया था इंस्ट्रक्शन में कि इसको हाथ से नहीं बिल्कुल भी टच करना, तो ये कितना सेंसिटिव और कितना ख़तरनाक हो सकता है कि हाथ में खून आ सकता है। तो मैं हाउ टू यूज़ स्कैल्प, तो मैंने क्या किया, तो मैंने सबसे पहले बालों को सुलझा लिया और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मैंने फॉलो किया। सो बालों को सेपरेट करने के बाद एक ही स्पेस में 5 से 7 बार मैंने इसको रिपीट किया उठाकर वापस से, एंड फिर उसके बाद उसी जगह के बालों को पीछे की तरफ करके फिर सेम डायरेक्शन में 5-6 बार किया। अब मैंने अपने ही एक DIY वाले ऑयल को थोड़ा सा वर्म लीक वर्म कर लिया, अब इसी को उसी जगह पे बालों में स्कैल्प में मैंने लगा लिया। सेम चीज़ें मैंने रिपीट किया मेरे बालों के दूसरे पोर्शन के साथ, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया क्योंकि ये पहली बार थी मेरे लिए। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। यूज़ करने के बाद मैंने इसको अच्छे से सैनिटाइज़र से वॉश कर दिया और इसको नेचुरली ड्राई होने के लिए वहाँ इसी के केस में रख दिया। ये अपने आप से सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। सो कुल मिला के मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस इट वॉज़ गुड फॉर मी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट।